बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने इल्जाम लगाया है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने कई फलाही स्कीमों को मुतारिफ किया है, लेकिन बदकिस्मती से तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत उन स्कीमों पर अमल नहीं कर रही है। हैदराबाद के मदाफाती इलाके घटकेसर के वीबीआईटी कॉलेज में मुनक़िदा बीजेपी स्टेट काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत आवाम से किए गए वादों में एक भी अमल नहीं कर रही है। गरीब आवाम को एक बेडरूम का मकान नहीं है, लेकिन बीआरएस के कायदीन डबल बेडरूम मकान देने की बातें कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने दावा किया कि मुल्क की तरक्की की सोच सिर्फ बीजेपी रखती है, बाकी तमाम जमातें अपने खानदान को फायदा पहुंचाने की सोचते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं ऊपर से शुरू कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर से। ये लड़ाई जम्मू कश्मीर की लड़ते थे, लेकिन अंत में इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ फैमिली पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ फैमिली पार्टी। महबूबा मुफ्ती, फैमिली पार्टी। पंजाब, अकालियों की लड़ाई लड़ते लड़ते प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, रिड्यूस टू अ फैमिली पार्टी। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी राज करती थी, दे हैव नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। आज कांग्रेस के पांव उखड़े और 24 करोड़ की जनता में अब भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, तो एक रीजनल पार्टी से लड़ती है, समाजवादी पार्टी से। अब नाउ समाजवादी पार्टी क्या है? समाजवादी पार्टी मुलायम, अखिलेश, डिंपल, रेस्टफुल स्टॉप। फैमिली पार्टी बीजेपी लड़ रही है, नेशनल पार्टी। अब बिहार आइए, मैं कल पटना था, कौन सी पार्टी है? आरजेडी, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, फुल स्टॉप, फैमिली पार्टी। आप बंगाल आइए, टीएमसी,